एक्सिस बैंक के रेट ऑफ इंटरेस्ट के बदलाव के बाद अगर आप 1 लाख से लेके 10 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे आप जनरल कैटेगरी में हैं या फिर आप सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आते हैं, तो आपको कितनी मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, आज की इस वीडियो में हम इसी के ऊपर जिक्र करेंगे। चलिए फटाफट से करते हैं वीडियो को शुरू। हाँ जी, तो दोस्तों कैसे हैं आप? मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त गगनदीप, आपके अपने फेवरेट चैनल जीडी टेकी से। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ना बता देता हूं, देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट रिवाइज हो चुके हैं जी 11/8/2022 को, 11 अगस्त 2022 को रेट ऑफ इंटरेस्ट रिवाइज हो चुके हैं। इसके ऊपर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बना दिया है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि अगर आप 1 साल की फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं एज ए जनरल कैटेगरी में, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा जी 5.45%। तो अगर हम बात करें सीनियर सिटीजन की, तो देखिए दोस्तों जैसे मैं नीचे आ जाता हूं, सीनियर सिटीजन की बात करें 1 साल की, तो 1 साल में आपको सीनियर सिटीजन के बिहाफ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा जी 6.20%। सो आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट तो जान लिया, तो अब हम क्या करते हैं, एफडी कैलकुलेटर को पहले ओपन करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट जानने के बाद एफडी कैलकुलेटर को ओपन किया है। सबसे पहले बात है जी नॉर्मल कैटेगरी की। अगर हम शुरुआत करते हैं 1 साल से, देखिए 1 साल 0 मंथ, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है जी 5.45%। तो मैं वैल्यू फिल करता हूं सबसे पहले 1 लाख। तो देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं 1 लाख के ऊपर हमारी जो वैल्यू बन जाएगी वो कितनी हो जाएगी जी 5,562 रुपीज। सो उसके बाद बात करते हैं 2 लाख की। तो देखिए दोस्तों, 2 लाख के ऊपर आपकी मैच्योरिटी वैल्यू कितनी बन जाएगी 2,11,125 रुपीज, और ब्याज कितना बन जाएगा 11,125 रुपीज। सो उसके बाद बारी है जी 3 लाख की। तो देखिए फ्रेंड्स, 3 लाख के ऊपर आपको जो ब्याज मिलेगा वो कितना है जी 16,687 रुपीज। सो उसके बाद 5 लाख की बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, 5 लाख के ऊपर आपको वैल्यू कितनी मिल जाएगी 27,812 रुपीज। सो लास्ट में बात कर लेते हैं जी 10 लाख की। तो देखिए फ्रेंड्स, 10 लाख के ऊपर आपको जनरल कैटेगरी में 1 साल के लिए जो ब्याज मिलेगा वो कितना होगा जी 55,624 रुपीज, और मेच्योरिटी वैल्यू कितनी बन जाएगी 10,55,624 रुपीज। सो दोस्तों, ये तो रही बात जनरल कैटेगरी की, अब हम बात करते हैं सीनियर सिटीजन की। तो देखिए, मैंने 1 लाख रुपए फिल किया है, और सीनियर सिटीजन पे जैसे मैं क्लिक करता हूं, तो देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है जी 6.10%। सो उसके बिहाफ पर आपको जो मेच्योरिटी वैल्यू मिलेगी वो कितनी हो जाएगी 1,06,241 रुपीज, और जो ब्याज है वो कितना होगा जी 6,241 रुपीज। सो अब हम बात करते हैं 2 लाख की। तो देखिए दोस्तों, 2 लाख के ऊपर आपको कितनी मेच्योरिटी वैल्यू मिल जाएगी 12,482 रुपीज जो है ब्याज के मिलेंगे, और 2,12,482 रुपीज आपको मेच्योरिटी वैल्यू मिल जाएगी। सो अब हम बात करते हैं 3 लाख की। तो देखिए दोस्तों, जैसे मैंने 3 लाख फिल किया, तो आपका जो ब्याज है वो कितना हो गया जी 18,723 रुपीज, और मेच्योरिटी वैल्यू बन गई जी 3,18,723 रुपीज। सो अब हम बात करते हैं 5 लाख की। तो देखिए दोस्तों, जैसे मैंने 5 लाख फिल किया, तो वैल्यू आपकी कितनी बन गई मेच्योरिटी 5,31,205 रुपीज, और जो ब्याज है वो कितना हो गया जी 31,205 रुपीज। सो लास्ट में बात करते हैं जी 10 लाख की। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैं 10 लाख फिल करता हूं, तो आपकी जो वैल्यू मेच्योरिटी बन जाएगी वो कितनी बन जाएगी 10,62,410 रुपीज, और जो ब्याज है वो कितना होगा जी 62,410 रुपीज। सो देखा दोस्तों, अगर आप एज ए सीनियर सिटीजन इन्वेस्ट करते हैं 1 साल के लिए 10 लाख रुपए, तो आपको अच्छा खासा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिलेगा और अच्छा खासा ब्याज भी मिल जाएगा।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह की और वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। सो इस वीडियो में इतना है।